Now, the revision of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. क्या है ये प्रोविडेंट फंड? बेसिकली इस पूरे के पूरे एक्ट में हमारी तीन स्कीम्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं, बट ब्रॉडली अगर हम समझें तो हमारा प्रोविडेंट फंड क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द इम्प्लॉयज़. तो जो इम्प्लॉयज़ हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कवर होते हैं जिस पे ये एक्ट एप्लीकेबल होती है, उनके लिए ये एक वेलफेयर स्कीम है, एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है जो मैंडेट किया गया है कि आपको देना ही देना है. होता क्या है इसमें, इम्प्लॉयर और इम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, पर ये पैसा कहाँ जाता है? एम्प्लॉयर के पास. एम्प्लॉयर इसको जमा कराता है, राइट? तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को जो सैलरी देनी होती है उसमें से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेता है, अपना पार्ट इंक्लूड करता है, और इस पार्ट को कंबाइन करके, इस मनी को कंबाइन करके क्या करता है, डिपॉजिट करा देता है. कहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं? जहाँ पे बताया गया है, राइट? एम्प्लॉय का जो पार्ट होता है उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है, बट एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से इसका अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, राइट? नाउ व्हाट एवर अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड वो एक पूल ऑफ फंड्स में जाता है, जहाँ पे उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और आपका वो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उसका इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब आप रिटायर करते हो तो वो पैसा आपको मिल जाता है, राइट? मैम, क्या हर कंपनी पे, हर किसी पे ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन जो है ये अप्लाई होता है और हर किसी को इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है? द आंसर इज नो. इट इज एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री जो शेड्यूल वन के इंडस्ट्रीज में स्पेसिफाइड हो. मैंने आपको बताया कि शेड्यूल वन में देर इज एब्सोल्युटली नो इंडस्ट्री जो स्पेसिफाइड नहीं हो, तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज हमारी कवर हो जाती है. तो उस इंडस्ट्रीज के तहत अगर आपकी फैक्ट्री है जिसमें 20 और मोर persons, मोर देन इक्वल टू 20 persons आर एम्प्लॉयड, तो आप इस एक्ट के तहत कवर हो जाते हो, और आपको अपने एम्प्लॉयज का PF काटना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, समय से डिपॉजिट कराना पड़ता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर establishments ऑल्सो विच आर एम्प्लॉइंग 20 और मोर persons, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है. और अगर आपके establishments 20 से कम हैं तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके एप्लीकेबिलिटी बना सकती है, ठीक है? ये एक्ट क्या है, सोशल सिक्योरिटी एंड टाइमली मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि फ्यूचर में जब रिटायर करते हैं, जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है दैट वी आर नो मोर इन अ पोजिशन टू वर्क, तब हमारी ये accumulated funds बड़े काम आते हैं. This is one way to promote savings as well, क्योंकि individuals अपने level पे शायद इतनी savings को promote ना कर पाते, क्योंकि खर्चे तो पहाड़ के जैसे हमेशा दिखते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं. Now, तीन schemes इस act के अंदर आती हैं, employees provident fund schemes to promote retirement saving, employees pension scheme ताकि आपको क्या हो, recurring पैसा even after termination of your job मिलता रहे, एंड एक इडली होता है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जहाँ पे इंश्योरेंस कराया जाता है, और अगर फैमिली, अगर सडन डेथ हो गई एम्प्लॉय की, तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल जाता है. तो यहाँ पे ये रिलीफ के लिए होता है, एक पेंशन, एक रिटायरमेंट में आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाए, और सडन डेथ, राइट? तो ये तीन स्कीम्स तीनों सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने के लिए हैं, आपकी ओल्ड एज को सपोर्ट करने के लिए हैं. एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 15,000 से कम होती है, 15,000 पर मंथ. इट इफ द एम्प्लॉयज आर ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है. हाउएवर इसमें वॉलंटरी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लोग कर सकते हैं. एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. जब हम सैलरी बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस एंड प्लस फूड वैल्यू कंसेशन, ठीक है? तो फूड वैल्यू, जो कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन होता है, वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है, क्योंकि कई लोगों को खाना मिलता है, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है. सो दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट एंड विच यू मस्ट रिमेम्बर, ठीक है? तो इतनी बात क्लियर है. चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं.
इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है विद द पब्लिक प्रोविडेंट फंड. मैंने आपको क्लास में डिफरेंस वगैरह बताया हुआ है कि कौन से हमारे पास अलग अलग तरीके के प्रोविडेंट फंड्स होते हैं. ये हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर द एक्ट. पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज ओपन फॉर ऑल वेदर एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय, और उसमें आप वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करते हो. ठीक है, अब ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया. एक बार अगर एक्ट एप्लीकेबल हो जाती है तो भले ही आपके एम्प्लॉयज 20 से कम हो जाए तो भी आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल रहती है. सो वंस द एक्ट इज एप्लीकेबल इट कंटिन्यूज टू रिमेन एप्लीकेबल फॉर एवर. कुछ छोटे छोटे से जजमेंट्स थे कि एक स्कूल जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं वो भी इसमें आ जाता है. कुछ अगर होम वर्कर्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के थ्रू एंगेज हो रहे हैं वो भी आ जाते हैं. एंड वेयर इन द एस्टैब्लिशमेंट कभी भी उनकी स्ट्रेंथ 20 के बिलो होती है तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि एक्ट के परव्यू के बाहर हो गया है. ठीक है, सेक्शन 16 हमें बताता है कि कुछ सिचुएशंस में एक्ट नहीं लगती है. कुछ सिचुएशन मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे, कौन से? कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 50 से कम लोग हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट जो सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो स्टेट एक्ट या सेंट्रल एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया हुआ है. अगर इनके जो बेनिफिट्स हैं वो इनके अलग रूल्स बने हुए हैं, अलग बेनिफिट्स हैं, मतलब इन्होंने अपनी अलग पीएफ स्कीम बनाई हुई है, तो वो उसी के थ्रू गवर्न होंगे. ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, डिटेल में मैंने डिस्कस की हुई हैं, यहाँ पे सिर्फ ब्रश अप कर रहे हैं हम उसको. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लाइक डेफिनेशन एज वी रीड इन द ग्रेच्युटी एक्ट एज वेल, कि रेलवे कंपनी, पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, इन सब के लिए क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट. जिसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है, बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट. ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. मैंने आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिखाया था, इफ़ यू नो. एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सीन दैट चार्ट, भैया आप वेबसाइट पे जाके पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देख सकते हो कि कौन कौन अपॉइंटेड है इफ़ यू वांट टू. बेसिक वेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या इंक्लूड होती है. कंट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली नथिंग. फंड किस फंड में जाता है? प्रोविडेंट फंड जो स्कीम के तहत बना है उसी फंड में पैसे जाते हैं. एम्प्लॉयर कौन होता है? अगर हमारी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर कौन होता है? फैक्ट्री क्या होती है? देन इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ सच ओनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. अगर ऑक्यूपायर की डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी मैनेजर अगर है तो. अगर कोई और एस्टैब्लिशमेंट है तो जिसके पास भी अल्टीमेट कंट्रोल है ऑफ अफेयर्स, उसको हम बोलेंगे कि वो एम्प्लॉयर है. एम्प्लॉय हम किसको बोलेंगे? ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट होता है. किसी भी तरीके का आपने काम किया हो, मैनुअल किया हो, स्किल्ड किया हो, अदरवाइज कैसा भी काम किया हो और आपको वेजेस मिल रहे हो, भले ही आपको थ्रू कॉन्ट्रैक्टर वेजेस मिल रहे हो या फिर आप अप्रेंटाइज हो. अप्रेंटाइज में कंफ्यूजिंग सी बात लिखी हुई है, नॉट बीइंग एन अप्रेंटाइज एंगेज्ड अंडर द अप्रेंटाइजेस एक्ट. देखो कई बार ऐसा होता है दैट जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो हम उसको डेजिग्नेशन ट्रेनी का देते हैं. जैसे होता है ना टेम्प्ररी एम्प्लॉयज़ कि हाँ आपको 6 महीने के लिए हम ऐसे रखेंगे एज अ ट्रेनी, उसके बाद हम प्रमोट करेंगे. तो वो अप्रेंटाइज ही हुआ पर वो कवर होगा. पर जो स्पेसिफिकली आते हैं जैसे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए आए हैं, 2 महीने के लिए ही आए हैं, तो उनको हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, उनका हम ईपीएफ अकाउंट खुलवा के उनका ईपीएफ डिपॉजिट नहीं करेंगे. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. राइट, फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री मतलब प्रिमाइसिस इंक्लूडिंग द प्रिसिंक्ट्स, जहाँ पे भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है. ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री हम उसी को बोलते हैं जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है. अब हम बात करते हैं एक एक करके सारी स्कीम्स की. सबसे पहले अगर हम बात करें ईपीएफ स्कीम की, तो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है 12% और 10% के हिसाब से. ठीक है, 12% और 10%, कुछ केसेस में 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस प्लस फूड अलाउंस, है ना, उसका आप पूरा जोड़िए, उसका 12% या उसका 10% जो आता है, ठीक है,
ठीक है, वो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा विच इज गोइंग टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इक्वल कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, हालांकि एम्प्लॉय चाहे तो वॉलंटरली, क्योंकि उसी का फंड है जो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी पे कर सकते हैं. बट क्योंकि एक अपर लिमिट है 15,000 रुपीज़ की, कि आपकी सैलरी 15,000 तक की है तो आप सी पी एफ एक्ट के बेनिफिट के अंदर आते हो. अगर इससे ऊपर है तो वॉलंटरली आप अपना खोल के आप अपना काम कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, बट फिर भी आपका कंट्रीब्यूशन जो रहेगा उतना ही रहता है. ठीक है, वॉलंटरली आप ज़्यादा कर सकते हो. तो यू हैव टू कीप दिस, मतलब मैंने सब चीज़ें बताई अलग 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 अलग. यहाँ पे सुन के आपको शायद लग रहा हो अभी कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट उसके लिए ऑब्वियसली चार्ट वार्ट सब चीज़ें पूरी चीज़ें है. नाउ अगर आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो आप चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपका इतना ही कंट्रीब्यूशन होगा, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15,000. अगर उससे कम है तो कंपलसरी है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपका इतना होता ही होता है. ठीक है, 12% और 10% का क्या लोचा है मैम, क्या बात है? सी ऑल्दो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर स्टडी मटीरियल एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, बट इस पर आपसे स्टडी मटीरियल में क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया, इसलिए मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था अपने मटीरियल में और आपको बता रही हूँ. 10% का रेट जो है वो एप्लीकेबल है अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 से कम लोग हैं और उनको नोटिफाई कर दिया गया है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो उसमें 10% का ही रेट लगेगा. कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है तो वो खुद ही बेचारी बीमार है फाइनेंशियली, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसमें 10% का ही रेट लगेगा. कोई एस्टैब्लिशमेंट जिसमें बहुत सारे लॉसेस हैं, मतलब उसके इतने लॉसेस हैं कि उसकी नेटवर्थ के बराबर उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, और या फिर जूट बीड़ी ब्रिक कॉर गुआर गम फैक्ट्रीज, बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा एंकरेज नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए इसमें क्या होता है 10% का ही पीएफ लगेगा. तो अगर आप इस इंडस्ट्री, मतलब एक लेबर के नज़रिए से सोचो, उनको ऑप्शन मिलेगा ना, अगर जूट में जाएंगे तो फिर 10% ही है, यहाँ पे जाएंगे तो आप समझो. ठीक है, तो यहाँ पे 10% का ही रेट लगता है. ठीक है, 10% का ही रेट लगता है. राइट, अदर रीजन्स भी हैं, अब इतना ज़्यादा वो नहीं सोचिएगा. एंड बाकी इस्टेब्लिशमेंट्स में हमारे क्या होता है 12% का रेट लगता है. फाइन, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है. इम्प्लॉयज़ अगर चाहे तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं. जो भी कंट्रीब्यूशन अगर पैसे में आता है तो उसको आप राउंड ऑफ कर देते हो इनटू रुपी. इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी इम्प्लॉयर पे करता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है आपके बिहाफ पे ये अकाउंट, मतलब आपको अपने सारे इम्प्लॉयज़ का पैसा इकट्ठा करके आपने अकाउंट खुलवाया, आपको वो सब करना चाहिए. मतलब कौन गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी, उनको भी तो पैसे चाहिए. तो इसको एडमिनिस्टर करने के लिए वो क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं, और कम से कम 500 रुपये आपको देने ही देने होते हैं. अगर कोई कंट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं है तो भी कम से कम 75 रुपीज़ तो आपको देना ही देना है. ठीक है, नाउ आपने जो भी पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कराया, अच्छा सबसे पहले एक चीज़ मैं और बता देती हूँ. मान लीजिए अगर 12% हमने कंट्रीब्यूट किया है, 12% हमने कंट्रीब्यूट किया है, तो इसमें से अलग अलग जगह पैसे चले जाते हैं. अलग अलग जगह पैसे कैसे जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ आउट ऑफ 12% अगर मैं बोलूँ, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 12% ईच. राइट, एम्प्लॉय का जो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है पूरा ईपीएफ में चला जाता है, बट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो दो जगह जाता है. दो जगह मतलब 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% कहाँ जाता है, ये आपका जाता है ईपीएफ में, ईपीएफ में. इसके अलावा एम्प्लॉयर को और क्या पे करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और इडली, EDLI जो ओवर एंड अबव होता है. ठीक है, तो इडली में भी आपको कंट्रीब्यूट करना होता है विच इज़ ओवर एंड अबव, उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता है. ठीक है, तो इस तरीके से स्कीम्स में क्या होता है, पैसे डिवाइड होते हैं. नाउ व्हाटएवर इज एक्यूमुलेटेड इन पीएफ,
ईपीएफ में जो भी एक्यूमुलेट हुआ है, वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो, ये पैसा आपको कब मिलता है? जब आप रिटायर करते हो, ठीक है, क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। हाउएवर, इसमें विड्रॉल और एडवांसेस दोनों अलाउड है। एडवांस का आइडियल मीनिंग होता है लिया और वापस किया, बट यहाँ पे क्या है, नॉन रिफंडेबल एडवांसेस भी हैं जो अलाउड है, एंड ऑफकोर्स विड्रॉल्स तो है। अगर आपको घर बनाना है, रीपेमेंट ऑफ लोन इन सम स्पेशल केसेस, आप रिटायर होने वाले उसके जस्ट एक साल पहले आपको विड्रॉ करना है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, अप टू 75% ऑफ बैलेंस वगैरह हम विड्रॉ कर सकते हैं। बीमारी हो, बच्चों की शादी हो, एंड पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन हो, मतलब हायर एजुकेशन हो आपकी, कुछ एबनॉर्मल केसेस हो, राइट्स हो गए और अर्थक्वेक आ गया, सो सब केसेस में क्या है, नॉन रिफंडेबल आपको मिल जाते हैं एडवांसेस भी, ठीक है, मतलब वापस करने की ज़रूरत नहीं है, वापस इस फंड में डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अलाउड है इवन बिफोर रिटायरमेंट। इसके बाद अगली स्कीम आती है हमारी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की, सेक्शन 6A। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हमारे को पेंशन कब मिल सकता है, सुपर एनुएशन, मतलब हमने अगर बोला था हम 60 इयर्स तक काम करेंगे और हमने काम किया उसके बाद हम रिटायर हुए तो हमें पेंशन मिल सकता है, हम पहले रिटायर हो गए तो भी हमें पेंशन मिल सकता है, किसी की डेथ हो गई तो विडो पेंशन मिल सकता है या विडोअर पेंशन मिल सकता है, चिल्ड्रन पेंशन मिल सकता है, तो ये सारी तरीके की पेंशन को इनकॉर्पोरेट करता है। कैसे इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एम्प्लॉयर जो अपना कंट्रीब्यूट करता है उसका 8.33% डाइवर्ट करता है टू ईपीएस, और इसमें एम्प्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। पेंशन फंड स्कीम जो आपकी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों का मेंशन होता है, एंड इट मे प्रोवाइड फॉर ऑल दीज थिंग्स कि कौन से एम्प्लॉयज पे पेंशन स्कीम लगेगी, कितना पोर्शन आपका पेंशन फंड में जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कि कब आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे ये रेगुलेट होगा, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं रिसीव होगा तो क्या होगा, कैसे इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कैसे इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाएगा, कैसे किस फॉर्म में लोग अपने बारे में बताएंगे, सो द फॉर्म ऑल्सो हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट, फॉर्म्स रजिस्टर्स और कैसे मेंटेन होंगे, द स्केल, मतलब कैसे इसको हम लोग बढ़ाएं, कैसे क्या करें कि बेनिफिट्स हमें मिले, और मैनर इन विच एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स, अगर एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहें तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे डिस्पर्स किया जाएगा, कैसे इसके एक्सपेंसेस को मैनेज किया जाएगा, और कोई भी मैटर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी स्कीम में ये सारी चीज़ें बता देगी। इसके बाद लास्टली हमारी आती है इडली, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। छोटी सी बात है, कुछ खास इसमें है ही नहीं इस स्कीम में हमारी, इस स्कीम में भी एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, एम्प्लॉयर करता है। इडली एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस अब हट चुके हैं, तो एम्प्लॉयर को इसको एडमिनिस्टर करने के लिए चार्जेस नहीं देने होते हैं, ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देने होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया, और यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना होता है नॉट मोर देन 1%, ठीक है, तो इडली में भी कंट्रीब्यूट होता है। नाउ अब क्या होता है, कभी कभी डिस्प्यूट आ जाता है कि नहीं हमारे ऊपर तो ये एक्ट या ये स्कीम एप्लीकेबल ही नहीं है, ये पर्टिकुलर स्कीम हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंसर्न्ड अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, इंक्वायरी करती है और निकालती है, डिटरमाइन करती है कि ठीक है भाई एप्लीकेबल है नहीं है, है तो कितना अमाउंट ड्यू हुआ, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके ऑर्डर पास कर देती है। जब उनको ऐसा ऑर्डर पास करना है तो उनको बहुत सारे अधिकार चाहिए, और उनको कौन से राइट्स या कौन से अधिकार मिलते हैं, द सेम राइट्स ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कोर्ट के ट्रायल में जज को मिलते हैं, दैट इज एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट एंड इशूइंग कमीशंस, ठीक है। अगर कोई पार्टी इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनती है तो एक्स पार्टी बिना उसके ऑर्डर पास कर दिया जाता है। अगर आपको लगता है नहीं आपके साथ गलत हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एक्स पार्टी ऑर्डर सेट असाइड भी किया जा सकता है और वापस से इंक्वायरी भी हो सकती है, वापस से हियरिंग भी हो सकती है। अगर आप इनके ऑर्डर से एग्रीव्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कि इस ऑर्डर को क्या किया जाए, रिव्यू किया जाए। किन ग्राउंड्स पर रिव्यू हो सकता है, कि कोई गलती है, कोई सफिशिएंट रीज़न है, कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो छूट गई थी जिसको अगर दिखाया जाएगा तो चीज़ें कुछ और ही हो जाएंगी, या कोई रिकॉर्ड, मतलब देयर इज प्राइमा फेसी सम मिस्टेक, मतलब सामने सामने दिख रहा है कि ये गलती है,
तो इन ग्राउंड्स पे रिव्यू किया जा सकता है, इन ग्राउंड्स पे आप एप्लीकेशन दे सकते हो फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर, और अथॉरिटी खुद भी रिव्यू कर सकती है. ओके, नाउ ये एक अधिकार है, ये जो दिख रहा है ये एक अधिकार है. ये कैसा अधिकार है मैम? सी, ऑफिसर कैन रीओपन द केस, रीओपन द केस विद इन 5 years. मतलब मैंने कोई ऑर्डर पास किया और बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार ये चीज तो छुपाई गई थी. जैसे पुलिस के भी केसेस रीओपन हो जाते हैं ना, PIL फाइल हो गई, केस ये वाला रीओपन हुआ, ये हुआ, तो 5 साल तक के लिए यहाँ पे भी केस रीओपन हो सकता है और ऑफिसर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर सकते हैं डिटरमाइनिंग कि कितना अमाउंट ड्यू है. नाउ इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर पास्ड बाय एनी अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा, तो आप एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हैं. एंड appellate tribunal opportunity देगी and it can set aside. appellate tribunal के पास rectification का भी अधिकार रहता है. जैसे order कोई pass किया, rectification होता है ना, जैसे income tax act में भी rectification होता है, तो वैसे यहाँ पर भी rectification होता है कि prima facie record में हमको दिख रहा है 2+2 हमने 5 लिख दिया, तो 5 रुपये की penalty थोड़ा ना दे देंगे, तो हम अपना order rectify कर देते हैं, ठीक है. पर अगर आप इनके पास अपील के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आपको 75% अमाउंट को डिपॉजिट करना होगा. अटैच नहीं होती है ये चीज़, ये मैंने आपको उसमें भी ग्रेचुटी में भी बताई है. जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन डजेंट मीन यू कैन रिड्यूस द वेजेस. एंड अगर हम एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं तो जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे EPF अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे EPF अकाउंट है, ठीक है. तो आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है. तो वहाँ का एम्प्लॉयर फिर उसी में कंट्रीब्यूट करने लगेगा. नाउ पेनाल्टीज हैं, अगर आपने जान के कोई गलत स्टेटमेंट दी तो पेनाल्टी है. अगर आपने कंप्लाई नहीं किया कोई भी प्रोविजन के साथ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह नहीं दिए तो आपके ऊपर कॉन्ट्रावेंशन है. अगर आपने डिफॉल्ट किया इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ 6C, हमारी अलग अलग स्कीम्स का था, ठीक है, इडली और उसकी, तो ये इसका वो नॉन कंप्लायंस है. अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया विद एनी प्रोविजंस ऑफ द स्कीम, बचे कुछ जो भी, मतलब जो ऊपर कवर नहीं हो रहे हैं वो वाले. एंड अगेन लास्टली, अगर कोई और कंडीशन या प्रोविजन का कंप्लाई नहीं किया, यहाँ पे स्कीम का नॉन कंप्लायंस है, यहाँ कोई प्रोविजन या कंडीशन को नॉन कंप्लाई किया जिसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं लिखी हुई है, तो आपके ऊपर क्या पेनाल्टी लगेगी. ऐसा भी होता है कि कंपनी ने गलती की, तो अब कंपनी ने जब गलती की तो हम किसको लायबल ठहराएंगे? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो इस टाइप के जो प्रोविजंस होते हैं, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ये ऑलमोस्ट हर एक्ट में आपको देखने को मिलते हैं. कोई भी पर्सन अगर कमिट कर रहा है ऑफेंस, वो कंपनी है, तो जब उसने ऑफेंस कमिट किया तो कोई ना कोई तो उसका इंचार्ज रहा होगा ना, जो उसका इंचार्ज है हम उसको मानेंगे कि उसने गलती की है, ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी. पर अगर वो ये प्रूव कर दे नहीं मैंने तो ड्यू डिलीजेंस किया था, मेरी नॉलेज के बना हुआ है, तो हम उसको लायबल नहीं ठहराएंगे. ऐसे ही डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको भी लायबल ठहराया जा सकता है अगर इनकी कंसेंट थी एंड दे एक्टेड नेग्लिजेंटली, राइट. बट अगर ये प्रूव कर दें कि नहीं भाई हमने तो कुछ नहीं किया है, तो फिर उनको लायबल नहीं ठहराया जाएगा, राइट. तो ये हमारा कुछ प्रोविजंस थे ऑफ EPF.